अस्सलामुअलैकुम। हमारे जिस्म का मेन ऑर्गन यानी कि हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत अहमियत का हामिल है। मसल से बना हुआ ये ऑर्गन यानी कि हार्ट बहुत सी कॉर्नरी आर्टरीज पर मुश्तमिल होता है। कॉर्नरी आर्टरीज उन आर्टरीज को कहा जाता है जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर किसी भी वजह से कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए तो हार्ट के मसल्स को खून नहीं मिलता और हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप भी कर सकता है। इसलिए जैसे ही कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो तो उसे फौरन रिजॉल्व करना चाहिए। इसे रिजॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक हार्ट बाईपास सर्जरी है। इस सर्जरी को हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं और इसे सिर्फ कार्डियक सर्जन ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस सर्जरी के दौरान सर्जन पेशेंट की चेस्ट को ओपन करते हैं। बाईपास सर्जरी के दौरान बॉडी के किसी भी पार्ट से आर्टरी या वेन कट की जाती है और इसे ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरी की जगह प्लेस कर दिया जाता है। आर्टरी या वेन प्लेस करने के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो रहा हो। बाज़ औक़ात सर्जन एक ही ऑपरेशन के दौरान एक से ज्यादा कॉर्नरी आर्टरीज को रिप्लेस करते हैं और इनकी जगह फंक्शनल आर्टरीज को ग्राफ्ट कर देते हैं। सर्जन्स का मेन फोकस ये होता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होता रहे। बाईपास ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया एक ड्रग है जिसे इंट्रावीनसली पेशेंट की बॉडी में इंजर्ट कर दिया जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को पेन का एहसास नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट के माउथ में ब्रीडिंग ट्यूब भी इंजर्ट कर दी जाती है जिसकी मदद से वो सांस लेता रहता है। पेशेंट्स के यूरिनरी ब्लडर में सर्जन कैथेटर डाल देते हैं और यूरिन की एक्सक्रीशन कैथेटर के थ्रू होती रहती है। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी का प्रोसीजर आमतौर पर सर्जन 3 से 6 घंटे में परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान सर्जन पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के ऊपर स्किन में एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद सर्जन रिब केज को खोलते हैं ताकि हार्ट को ऑपरेट किया जा सके। बाईपास सर्जरी के दौरान सर्जन सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट लंग मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हार्ट लंग मशीन टेम्परेरी तौर पर हमारी बॉडी में हार्ट और लंग्स के फंक्शन को परफॉर्म करती है। इस मशीन की वजह से हार्ट का फंक्शन कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है और सर्जन आर्टरी या वेन्स का ग्राफ्ट ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरी की जगह प्लेस कर देते हैं। ग्राफ्ट के तौर पर जो आर्टरीज यूज की जाती हैं, इनमें चेस्ट में प्रेजेंट थोरेसिक आर्टरी और लेग में प्रेजेंट स्पिनस वेन शामिल हैं। सर्जन इन ग्राफ्ट आर्टरीज या वेन को ब्लॉकेज कॉर्नरी आर्टरी की जगह लगा देते हैं। ग्राफ आर्टरी को प्लेस करने के बाद सर्जन हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि हार्ट बीट को रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा सर्जन हार्ट के साथ इलेक्ट्रिकल पेसमेकर भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हो सके। ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हार्ट लंग मशीन और इलेक्ट्रिकल पेसमेकर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। सर्जन रिब केज को क्लोज करते हैं और साथ ही स्किन में लगाए गए कट को भी सो यानी सिलाई कर देते हैं। सर्जरी के फौरन बाद पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद कुछ वीक्स तक हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है ताकि अगर किसी भी किस्म का डिफॉल्ट आए तो उसे फौरन ही डिटेक्ट कर लिया जाए। जब पेशेंट अपने तौर पर सांस लेने के काबिल हो जाए तो उसके माउथ से ब्रीडिंग ट्यूब को हटा दिया जाता है और ब्रीडिंग ट्यूब की जगह ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है।
कैथेटर जिसे ऑपरेशन से पहले यूरिनरी ब्लडर में लगाया गया था उसे भी ऑपरेशन के 3 से 4 दिन बाद निकाल दिया जाता है। अब हम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे जो ओपन हार्ट सर्जरी को सक्सेसफुल होने से रोकती है। डॉक्टर्स अगर इनमें से किसी एक भी कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोस कर ले तो वो पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी को कोरस्पॉन्ड कर देते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटीज, एम्फिजीमा और किडनी फेलियर शामिल है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इनमें एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स और ACE इनहिबिटर्स वगैरह शामिल हैं।